नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे नेज़ल पॉलिप वाले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उस वीडियो से कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कई लोगों की क्वेरीज क्लियर हुई है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेरीज हैं जो मुझसे पूछी गई हैं, वहाँ मैं इनके जवाब देना चाहती हूँ। उसमें से नंबर वन ये है कि पेशेंट ये जानना चाहता है कि वायरल कोल्ड में, मतलब जब वायरल इन्फेक्शन के कारण कोल्ड हो जाता है, और एलर्जिक कोल्ड में क्या डिफरेंस है। नंबर टू, यदि नेजल पॉलिप का एक कॉज एलर्जिक रिनाइटिस है तो हम किस क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे कि वो एलर्जिक रिनाइटिस जो है वो नेजल पॉलिप में कन्वर्ट ना हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एलर्जिक रिनाइटिस हमें क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वायरल से होने वाले कोल्ड में और एलर्जी के कारण होने वाले कोल्ड में क्या डिफरेंस होता है, हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलर्जिक रिनाइटिस में और कोल्ड में बहुत सारे सिम्टम्स मैच करते हैं। जैसे पेशेंट को रनी नोज़ मिलती है, उसे छींके आती हैं, उसे नोज़ में और थ्रोट में कंजेशन फील होता है, नोज़ में उसको ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकता है और उसको साइनस में प्रेशर भी फील हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट को मिलते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो कोल्ड होता है वह पेशेंट को वायरल के इन्फेक्शन के कारण होता है, लेकिन जो एलर्जिक रिनाइटिस है वो पेशेंट को किसी पर्टिकुलर चीज़ से जब एलर्जी होती है उसके रिस्पॉन्स के कारण होता है। इसमें एक डिफरेंस और होता है कि जब पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के कारण कोल्ड हो जाता है तो पेशेंट को एक्सपोजर के 2 से 3 बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, लेकिन एलर्जिक रिनाइटिस के केस में पेशेंट को इमीडिएटली उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अब हम एलर्जिक रिनाइटिस के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे पेशेंट को एलर्जिक रिनाइटिस की समस्या बढ़ जाती है या एग्रेवेट हो जाती है। इसमें पेशेंट को डस्ट से तकलीफ हो सकती है, माइट से हो सकती है, फंगस से हो सकती है, या उनके यहाँ पेट एनिमल हैं, डॉग है, कैट है, तो उनके स्किन की शेड से है या उनके हेयर से हैं, या ले लीजिए आप किसी बर्ड है तो उनके फैदर से हैं। इस तरह की चीज़ों से पेशेंट को तकलीफ हो जाती है। लेकिन मैंने कुछ और भी चीज़ें देखी हैं जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता दी हूँ, जो पेशेंट आके बताते हैं कि यदि घर में किचन में छोंक लगा रहे हैं, बगार लगा रहे हैं, तो उस छोंक से भी पेशेंट को बहुत सारी छींकें एक साथ आना शुरू हो जाती हैं और नाक से पतला पानी बहने लगता है। और यदि किसी ने परफ्यूम लगाया है या कोई बहुत खुशबूदार अगरबत्ती है, उससे भी पेशेंट को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट घर में है और एकदम से उसने खिड़की या दरवाज़ा खोला और एकदम ठंडी हवा यदि उसको आती है तो भी छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह कई तरह की चीज़ें होती हैं जिससे पेशेंट का एलर्जिक रिनाइटिस ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। जब भी पेशेंट एलर्जिक स्टिमुलाई से एक्सपोज होता है तो उसकी बॉडी में 2 तरह की रिएक्शन होती है। एक होता है अर्ली रिएक्शन। अर्ली रिएक्शन में क्या होता है, पेशेंट को नाक में खुजली चलेगी, कान में खुजली चलेगी, उसको नाक से रनी वाटर आने लगेगा, उसको छींकें आएंगी, कभी कभी उसको थ्रोट में खुजली भी मिलती है और आँखों से भी पानी आने लगता है। लेकिन यही चीज़ आधे से 1 घंटे बाद लेट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें पेशेंट को उसकी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, इसलिए उसको नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, थ्रोट में भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है, थ्रोट में पेन मिल सकता है, उसको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की शिकायत भी होती है। पोस्ट नेजल ड्रिपिंग में होता क्या है कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका जो नाक का कफ है वो नाक के रास्ते से बाहर ना निकल कर थ्रोट में गिर रहा है और मुंह से बाहर आ रहा है, और उसको साथ में कफ की भी शिकायत हो सकती है। ये कफ विदाउट स्पुटम भी हो सकता है और विद स्पुटम भी हो सकता है। यहाँ पर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जिनको दमा की तकलीफ़ होती है, उनको एलर्जिक रिनाइटिस की तकलीफ़ बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नेजल पॉलिप है या साइनोसाइटिस है या अस्थमा है, ये चीज़ें जो होती हैं एलर्जिक रिनाइटिस के बाद हो सकती हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात इन चीज़ों में ये होती है कि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब उसका लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, क्योंकि वो पूरे टाइम स्ट्रगल करता रहता है अपनी रनी नोज़ से या नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन से। इस तरह से
दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसके प्रिवेंशन की बात करूँ तो इसका मेन प्रिवेंशन यही है कि यदि आपको पता है कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी ट्रिगर करती है तो आपको उन चीज़ों से बच के रहना है। नंबर टू, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी को अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको इंटैक्ट रखना है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड लेना है, अच्छा वाटर का इंटेक रखना है। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस भी होती हैं जिनको आप टाइमली शुरू कर देते हैं तो आप इन बहुत सारी जो ये कंसेक्यूटिव कंप्लेंट एक के बाद एक पकड़ लेती हैं उनसे बच सकते हैं। यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है एलियम सीपा। दोस्तों, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को आँख से और नाक से बहुत बर्निंग डिस्चार्ज निकलता है, उसको छींकें आने लगती हैं, नाक से वाटरी डिस्चार्ज निकलता है और पेशेंट को साथ में हेडेक भी बना रहता है, उसको ओपन एयर में जाने में उसको अच्छा लगता है। और यदि इन सिम्टम्स के बाद पेशेंट को लेट रिस्पॉन्स भी आने लगते हैं, मतलब उसको हैकिंग कफ है या उसको थ्रोट में कंजेशन हो रहा है या नोज़ में कंजेशन हो रहा है और कफ की भी शिकायत है, तो आप एलियम सीपा दे सकते हैं। इसमें नंबर टू पर मेडिसिन होती है ट्यूक्रियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब इन सब अर्ली रिएक्शन के कारण पेशेंट को नोज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, वहाँ उसको नेजल स्टॉपेज हो जाता है, वहाँ पे पॉलिप होने की बार बार पॉलिप होने की टेंडेंसी हो जाती है, उसको नोज़ बहुत बंद फील होती है और साथ में कभी कभी पतला पानी भी निकलता है नाक से, तब ट्यूक्रियम अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्त, इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है सेबेडिला। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको स्पास्मोडिक स्नीजिंग बनी रहती है, मतलब कंटिन्यू उसको बहुत देर तक छींके आती रहती हैं, उसकी नाक से और आँख से पानी निकलता है। और पेशेंट को इसमें एक चीज़ और होती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्रंटल उसको हेडेक मिलता है और उसका लैक्रिमेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को थिन वाटरी डिस्चार्ज तो निकल ही रहा है नाक से, वो तो हर एलर्जिक रिनाइटिस का मेन सिम्टम है, लेकिन इसमें पेशेंट को थोड़ा सा फीवर भी आना शुरू हो जाता है और पेशेंट को थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस, उसको हाँफनी भी महसूस हो सकती है। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है जो एलियम सीपा से थोड़ी अलग है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ओपन एयर में अच्छा नहीं लगता, उसको इंडोर में घर में बैठने में उसको आराम मिलता है। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो एलियम सीपा दे सकते हैं। दोस्तों, वायरल कोल्ड के लिए तो हम बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन एलर्जिक रिनाइटिस के केस में दो टेस्ट बहुत मार्क्ड होते हैं। यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो एलर्जिक रिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें नंबर वन पे ये होता है कि आपको IgE एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको एलर्जिक रिनाइटिस है कि नहीं। और दूसरा होता है परक्यूटेनियस स्किन टेस्ट, इसमें पैच टेस्ट की तरह होता है और इससे भी क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को किस पर्टिकुलर चीज़ की एलर्जी है। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ हो कि एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और वायरल कोल्ड के सिम्टम्स क्या होते हैं और एलर्जिक रिनाइटिस किन कंडीशंस में नेजल पॉलिप में कन्वर्ट हो सकता है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो एलर्जिक रिनाइटिस है वो इतना सीरियस नहीं होता है सारे पेशेंट्स में, लेकिन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका स्लीप, ये सब ख़राब होता है तो पेशेंट की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, तो दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।